दोस्तों मैं आ आया हूँ यहाँ पर एडवेंचर आइसलैंड, और यहाँ पर क्या है, एक स्नो सिटी, स्नो पार्क एक खुला है जो कि बिल्कुल नया है। और इधर उधर तो बहुत जगह हमने जाके देखा है, विजिट करी है, सोनीपत में, ग्रेटर नोएडा में, पर दिल्ली में ये दिल्ली का पहला स्नो सिटी पार्क है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए चलिए मेरे साथ। तो क्या यहाँ का टिकट रहने वाला है, क्या लोकेशन है, वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ पर आना है बाय मेट्रो तो रिठाला मेट्रो स्टेशन यहाँ के नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आपको डिस्टेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर है जो आप रिक्शा या किसी से भी मैनेज कर सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो स्नो सिटी की एंट्री इस एडवेंचर लैंड के अंदर से होती है। चलिए चलते हैं। अगर आपके पास कोई बैग वगैरह है तो यहाँ पर वो चेक होगा। तो बात करें यहाँ की पार्किंग की, कार के प्राइसेस होने वाले 50 रुपीज और बाइक पार्किंग 30 रुपीज। तो चेकिंग करके हम अंदर आ चुके हैं और एडवेंचर आइलैंड, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से लेनी हो तो इन्फॉर्मेशन काउंटर वहां पर है। इसके बाद आना यहाँ पर फ्री है, जो भी हम यहाँ पर आके राइड वगैरह करते हैं उसके लगते हैं पैसे। तो एडवेंचर आइलैंड का जो बर्गर किंग है उसी के बिल्कुल नीचे स्नो सिटी का जो टिकट काउंटर है वो है। स्नो सिटी के टिकट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। टिकट काउंटर से टिकट लेके वहां से और आपको यहाँ तक पैदल आना है और फिर अंकल जी को यहाँ पर टिकट चेक करानी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, तो हम लोग आए हैं स्नो सिटी यहाँ पर। ये दिल्ली में नया खुला है और यहाँ पर -10 डिग्री का टेम्परेचर है और अभी तक तो गर्मी से बुरा हाल है। वहां जाके देखते हैं हम लोग कैसा फील होता है। तो भैया ये है स्नो एंट्री, स्नो सिटी की स्नो एंट्री। यहाँ से देखो कितनी भीड़ लगी हुई है पब्लिक की, तगड़ा खुला हुआ है, बर्फ के पहाड़ से लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ से कॉस्ट्यूम वगैरह कैसे लेके आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अंदर आते हुए ये देखते हैं, यहाँ पर आप अपना फोटोग्राफ वगैरह खिंचवा सकते हैं और बाकी फोटोग्राफ खिंचवाना फ्री है और लेने के लिए आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट्यूम पे, कॉस्ट्यूम का यहाँ पर फ्री है, टिकट में ही इंक्लूडिंग है। आप अपने हिसाब से जैकेट वगैरह ले सकते हैं और तुम्हारा अगर बच्चे हैं साथ में तो बच्चों के कॉस्ट्यूम भी यहाँ मिल जाएगी और बड़ों की भी यहाँ मिल जाएगी इजीली। और बाकी आप लोगों को कुछ खाना वाना हो वो आप यहाँ से अपने कुछ से परचेज कर सकते हैं वहाँ पर अंकल जी को पैसे देके। तो कपड़े वपड़े हमने पहन लिए, देख लो सेटअप पूरा, जूते वूते दस्ताने उस्ताने, तो आप हमें जाना सीधा अंदर। तो कुछ ये है स्नो सिटी की एंट्री, बाकी अब हम घुस रहे अंदर। बहुत बढ़िया वाली फीलिंग मुझसे ही आ रही है आपको दिखा। बच्चों का ट्रैम्पोलिन पार्क भी है यहाँ पे। इसकी 200 रुपए की एंट्री है इसकी, बाकी हम देखते हैं। अभी चले राइड करने के लिए आओ, बाकी यहाँ पर एक 3 इडियट्स का ऐसा कुछ बना हुआ है जिसमें बैठ के हम लोग सब फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। ये गुफा है इसकी, इस गुफा में घुसते हैं। अच्छा तो हम लोग घुसने वाले हैं इस केव में। ओ भाई साहब वाह यार, अंग्रेजों के जमाने की केव है। और गाइस कुछ कुछ दिख नहीं रहा और ठंडा बहुत है और छोटी हो गए भाई, काफी छोटी हो गई है ना, फिर बड़ी हो गई ये। गाइस देखिए यहाँ पे बड़े सावधानी से निकलना होता है, इनको लग गई यहाँ पे।
तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइस ये यहाँ पे कुछ ऐसे केव है, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और निकल के मुझे एक मिल गया भालू। यहाँ पर ये वाली लाइट ड्रॉप कर, तो गाइस ये देखो वो लड़की स्लाइड करने वाली है, इस वाली स्लाइड को। हेलो आजमा, तो ये वाली कुछ स्लाइड आती है, चलो चलते लक्ष्मण झूला पे। तो गाइस हम आपको दिखाने वाले लक्ष्मण झूला। बहुत ही ज्यादा एंजॉय हो रहा, हम भी जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। ओ हो आराम से, आजा तो भाई, बहुत तो भाई हम लोगों को लग रहे बहुत तगड़ी ठंड, भाई साहब बहुत जोर जोर में हिला रहे, भाई साहब बहुत डेंजर लाए है। ओ भाई अभी मैंने की थी ये वाली राइड जो आप देख रहे हैं, ये एक ब्रिज है बहुत बढ़िया, और ये मैंने कराया अभी पूरा हिलता, मजा आता है। और ये ऐसे कुछ यहाँ शेर खान की बनी हुई है, पूरी की पूरी बर्फ की बनी हुई है, यहाँ पे बैठे शेर खान, ये बर्फ की सिल्ली है, देखिए ट्यूब पता नहीं यार, यूट्यूब है। तो ये वाली राइड करने के लिए लगी हुई है बहुत लंबी लाइन। अब बच्चे एक ही है, बच्चों वाली है, इसमें बड़े भी जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, यहाँ पर बड़े बच्चे आके इंजॉय भी कर सकते हैं और बड़े लोग भी, बाकी मेरा कूद रहा हूँ मजा आ रहा है, अलाउ सबको है यहाँ पे, तो बड़े और छोटे शर्माए नहीं, मस्ती करे फन सिटी में, नहीं सॉरी गाइस। यहाँ पर ये पूरी रियल की बर्फ है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये पूरी की पूरी रियल बर्फ बना हुआ है, जैसे आप कह सकते हैं देखो ये पूरी रियल बर्फ है, इसको कोई भी कोई आर्टिफिशियल बर्फ जो बनाई हुई है, सारी की सारी रियल है, पूरी की पूरी बर्फ है रियल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस व्लॉग लकी। दोस्तों मैं आज आया हूँ स्नो सिटी में जो है रोहिणी दिल्ली में, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लगे भाई, पहली बार आए हो? हाँ। ये आंटी पहली बार है, दिल्ली का सबसे पहला यहाँ पर स्नो सिटी खुला है। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर वो मौका मिलने वाला है नहीं जो वो वाली राइड है काफी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है वहाँ से, बाकी यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। एक यहाँ पर ये भालू है, पोलर बियर पर बैठ कर आप फोटो खिंचवा सकते हैं, बढ़िया वाला। और यहाँ पर छोटा पोलर बियर है, सेल्फी स्टिक भी है 360 वाली,
आप वीडियो बना सकते हैं और इस पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बॉल मिल चुकी है हम लोगों को, दोनों को, हम लोग यहाँ पे खेल रहे बॉल से। ये जल्दी 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 दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा मुझे यह ठंड में मिल गया जादू, और जादू यहाँ पर बिल्कुल बेकार है क्योंकि इसका काम पावर है धूप से, इसे धूप मिल नहीं रही यहाँ पे। हाँ, इसके हथकंडे खराब है यार। दोस्तों का बना हुआ है तो टेबल है बर्फ की, तो यहाँ पर हम लोग आके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपना कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा बर्फ था, ओरिजिनल बर्फ था, ओरिजिनल बर्फ। कयामत कयामत होंगे। ये है स्नो सिटी दिल्ली, रोहिणी, मजा आ रहा बहुत, अनलिमिटेड। अभी यहाँ से है एग्जिट, अब हम लोग घर जा रहे हैं। कैसा लगा भाई लोग? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ रहा है बिल्कुल यार, बहुत अच्छा लगा। पहली बार विजिट है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम विजिट है हमारे। ये देखो फ्री की टिकट, पैसा वसूल चीज है, मजेदार, मजा आ रहा है। थैंक यू। तो भैया अब यहाँ से हम ले रहे हैं एग्जिट क्योंकि हमें लगने लगे बहुत जोर की ठंड। हाँ भाई, तो भैया बाहर निकल के अब यहाँ से अपने टोकरी वगैरह जूते वूते चेंज कर ले हम, और फिर आपसे मिलते हैं। अभी निकल चुके बाहर। तो दोस्तों ब्लॉग हो चुका है शूट और एग्जिट ले ली हमने। यहाँ पर है ये कुछ ऐसा कि यहाँ पर आपको कपड़े वगैरह आपको निकाल के अपने यहीं पे जमा करने होते हैं जो आपने पहने थे, और अगर आपने अंदर फोटोग्राफ्स खिंचवाए तो आपको यहाँ पर आके वो फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे, उसके आपको लगेंगे पैसे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। तो गाइस ये था मेरा स्नो सिटी का ब्लॉग, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।